नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम सचिन कुमार है और आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन डोर्स के बारे में। आइए जानते हैं ये मेम्ब्रेन डोर होते क्या हैं। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूंगा मेम्ब्रेन डोर में एक्चुअली होता क्या है। ये किसी भी तरह का कोई भी डोर होता है, चाहे वो फ्लश डोर है, ज्यादातर मेम्ब्रेन डोर में फ्लश डोर का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर हमें पेंट पॉलिश ना करना पड़े, इसलिए हम उसके ऊपर इस टाइप से एक जो है फिल्म जो है वो लगा देते हैं। आपने कई बार देखा होगा हम अपने मोबाइल में एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं या हम वॉल्स के ऊपर वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं। इसी टाइप से हम मेम्ब्रेन डोर के अंदर फ्लश डोर के ऊपर इस तरह की एक फिल्म पेस्ट कर देते हैं, जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन डोर। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन में कितने तरीके डिजाइन अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मैं यहां बताना चाहूंगा हमारे पास हजारों डिजाइन अवेलेबल हैं जिन्हें हम मेम्ब्रेन डोर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किस किस टाइप के मेम्ब्रेन डोर होते हैं। इसमें सबसे पहले हम फ्लश डोर के ऊपर कोई भी अपनी पसंदीदा डिजाइन को मेम्ब्रेन मशीन की हेल्प से उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, तो ये बन गया सिंपल मेम्ब्रेन डोर। इसके बाद हम इसमें कुछ और एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आप इधर देख पा रहे हैं हमने इसमें सीएनसी मशीन से एक डिजाइन बनाया और डिजाइन बनाने के बाद उसके ऊपर फिल्म को पेस्ट कर दिया, तो ये हो गया सीएनसी मेम्ब्रेन डोर। इसको हम बोल सकते हैं 2D मेम्ब्रेन डोर। इसके अलावा हम जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये जो है 3D मेम्ब्रेन डोर है। दोस्तों 3D मेम्ब्रेन डोर बनाने के लिए हम MDF के ऊपर एक 3D का डिजाइन क्रिएट करते हैं, फिर हम उस डिजाइन को फ्लश डोर के ऊपर पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद हम उसके ऊपर मेम्ब्रेन मशीन की हेल्प से मेम्ब्रेन फिल्म को पेस्ट कर देते हैं। ये बन गया हमारा 3D मेम्ब्रेन डोर। इसके अलावा हम यहाँ पर इसमें और भी कई तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जैसे हमारा एम्बोज बोर्ड आता है, हम एम्बोज बोर्ड को भी उसके ऊपर पेस्ट करके उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन कर सकते हैं, तो इससे हमारा एम्बोज मेम्ब्रेन डोर रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन डोर के हमें क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो बेनिफिट में दोस्तों सबसे पहले बात आती है मेम्ब्रेन डोर बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, और उसका दूसरा जो कारण है वो है यह बहुत कम प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल भी है। इसे ज्यादातर बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर लोग पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार बिल्डिंग में लगा करके उसके बाद बिल्डिंग से निकल जाना होता है और बहुत जल्दी से दरवाजा रेडी भी हो जाता है। उन्हें बल्क क्वांटिटी चाहिए होता है, इसलिए वो जल्दी से रेडी करके इसको काम में ले लेते हैं। अब बात करते हैं इसमें नुकसान क्या क्या है। इसका सबसे पहला नुकसान तो यही है कि अगर किसी ने मेम्ब्रेन फिल्म पे कोई निशान लगा दिया या कट कर दिया तो वो आपका अब रिपेयर नहीं हो सकता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन जो डोर होता है वो फ्लश डोर से बना होता है। फ्लश डोर में कई बार लोग जबड़े का दरवाजा भी इस्तेमाल करते हैं, पाइन वुड का भी दरवाजा इस्तेमाल करते हैं। आपको कभी पता ही नहीं लगता है कि आपके दरवाजे के अंदर है क्या, और आप उसकी क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी जल्दी सीलन से दीमक से खराब भी हो जाता है। उसके अलावा जो मेम्ब्रेन फिल्म होती है वो ज्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिसके कारण से उसका फिल्म भी अपने आप उतर जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया इसको ज्यादातर बिल्डर या कॉन्ट्रेक्टर यूज करते हैं। उसके पीछे का रीजन भी यही है कि उन्हें एक बार बिल्डिंग में काम करके बाहर निकल जाना होता है, फिर उससे उनका कोई लेना देना नहीं है दरवाजा कितना दिन चलेगा या नहीं चलेगा, तो इस बारे में नहीं सोचते हैं। अगर आप मेरे से मेरा व्यू जानना चाहें तो मैं यही कहूंगा 2-4 साल पहले तक तो ठीक था जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब हम इनको इस्तेमाल कर सकते थे। हमने बहुत बड़े लार्ज स्केल पर इन डोर्स का निर्माण किया है, लेकिन अब हमारे पास और अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे SDHMR डोर है या WPC डोर्स है, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यही कहूंगा हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। SDHMR डोर और मेम्ब्रेन डोर की प्राइसिंग में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। अगर आप कम प्राइस के लिए मेम्ब्रेन डोर ले रहे थे तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप SDHMR डोर भी ले सकते हैं। अगर मेम्ब्रेन डोर के बारे में और भी कोई आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा है PVC बोर्ड और WPC बोर्ड का हर जगह प्राइस अलग अलग क्यों है और आपकी वेबसाइट पर एक ही बोर्ड के अलग अलग प्राइजेस हैं, ऐसा क्यों है। अगले वीडियो में हम जानेंगे बोर्ड अलग अलग डेंसिटी में क्यों अवेलेबल होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।